अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं जी आपको दौलत नगर का द्वारा दिखाने। इधर भी बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। पहले आपको दिखाया था उमरवाल का द्वारा, अभी ये दौलत नगर का देखें। इधर भी फ्लड वाली सिचुएशन है। आई थिंक 15 से 20 साल के बाद या मे बी 10 साल के बाद इतना पानी आया होगा। बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं देखने के लिए। आप देख सकते हैं ये सामने हर बंदा जो है वीडियो बना रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है। और मैं छोटा भाई फरहान भी मेरे साथ है। दौलत नगर का द्वारा है जो पानी बिम्बर आज़ाद कश्मीर से आ रहा है, ये वही पानी है। और ये ट्रैफिक है, जो भी गाड़ी गुजर रही है वो रुक के देख रही है कि पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और हर बंदा वीडियो बना रहा है, तस्वीर बना रहा है। गाना पड़े ना, बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है जी इधर दौलत नगर में भी। पीछे क्राउड देखें कितना ज़्यादा क्राउड है। ये सारा द्वारा है दौलत नगर का। रजीश भाई क्या हाल ने? अस्सलाम वालेकुम। नाओ द्वारा देखना आया? या ठीक ठाक। बड़े ऐसे पानी आया है ना। हर बंदा जो है वो द्वारा देखने के लिए आया। देख लें ये सामने जो टालियाँ वो दरख्त हैं, सारे पानी में बह रहे हैं। देख लें वो तोड़ तक बहुत ज़्यादा दरख्त है इधर। ये भी देख सकते हैं आप, ये दरख्त का भी काफ़ी नुकसान होगा। बड़ी नेमत है दरख्त भी, आपको पता है कि ऑक्सीजन में कितनी ये हेल्प करते हैं। अल्लाह पाक रहम करे और नफ़े की बारिश बरसाए। ये सारा दौलत नगर का ब्रिज है। ये सामने लोग सामने देखते हैं, ये देख सकते हैं जो भी देख रहा है, गाड़ी वाला जा रहा है रुक रुक के देख रहा है कि द्वारा बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा हुआ है। दिस सिचुएशन इज़ लाइक अ फ्लड, यू कैन से दिस इज़ लाइक अ फ्लड। अब देख सकते हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पीड में है पानी। ये पानी जो है ये आ रहा है आज़ाद कश्मीर से और बिम्बर से सारा गुजर के, उमरवाल गांव से गुजर के तो ये आ रहा है। ये दौलत नगर का ब्रिज है सारा। आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं इधर, हर बंदा द्वारा बंडर या डली या जो भी आप बोल लें देखने के लिए खड़ा है। हर बंदा वीडियो बनाने में मसरूफ़ है, बच्चे भी शरारतें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी है पीछे से जो है वो, यानी कि उमरवाल से द्वारा थोड़ी चौड़ाई में है, यानी कि उधर बहुत ज़्यादा खुले एरिया में है, इधर आके थोड़ा तंग हो जाता है थोड़ी जगह में। तो इधर से स्पीड ज़्यादा लगती है और गहराई भी ज़्यादा लगती है। किस दौर में हम देखा करते थे कि इधर भी लोग छलांगे लगाते थे इस ब्रिज से, लेकिन अभी अच्छी बात है कोई इधर छलांगे नहीं लगा रहा। क्यों फरहाना नहीं? ये फरहान मेरा छोटा भाई जो है ये छतरी ले के खड़ा है, बोल रहा मैं बारिश में भीग ना जाऊँ। और ये सामने जो गाड़ी जा रही है जलालपुर जटा को जा रही है। पढ़ें। और ये जो हैं यानी कि हमारे पठान भाई अभी अपने बेड़े और बकरियां वगैरह लेके जा रहे हैं, और एक गधा भी है, एक गधा उस पर सामान भी है। ये सामने देखें आपको दिखाते हैं थोड़ा करीब जाके, जूम करके थोड़ा रिजल्ट चेंज हो जाता है, आप करीब जाके दिखाते हैं। बिल्कुल द्वारे के साथ है ये। अभी मैं ब्रिज पे वॉक कर रहा हूँ, आपको भेड़ों का सीन दिखाता हूँ कैसा सीन है। देखें ये इधर सैलाब है, सारा सैलाब तो नहीं आप कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा पानी है, थोड़ा दूर ही रहना चाहिए पानी से। तो ये बिल्कुल किनारे पे ये देखें जानवर चल रहे हैं, ये लोग भी तो हैं ना। काफ़ी ज़्यादा
भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। ये भाई गड़ी से बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं देखने के लिए। ये वही रोड है जो गुजरात से कोटला को जा रही है। अगर आपने कोटला जाना है तो इसी रोड से आपको जाना पड़ेगा, या बिम्बर आज़ाद कश्मीर जाना है। मेन रोड यही है, वो सामने भी काफ़ी जानवर है और ये सीधा जा रहा है गुजरात को, ये द्वाड़ा जा रहा है। खड़े फ्रांस छतरी चलिए फ्रांस, चलो जी चलिए वापस। चलो ट्रो, अभी हम जा रहे हैं जी वापस। तो ये था जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। आई होप यू विल लाइक इट। दिस इज़ ऑल अबाउट दौलत नगर द्वाड़ा। ये दौलत नगर ब्रिज है, ये द्वाड़ा है, ये सामने गढ़ी गांव है, वो सामने सैदा है, और ये सारा ब्रिज के सीन है आप देख सकते हैं।